नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राधा स्वादा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इंस्टेंट रवा इडली की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ये झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसे बनाने के लिए आपको चावल और दाल भिगोने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी, और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप दही। दही थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए, इसे हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। देखिए बैटर हमारा बनके तैयार है, और इसे अब हम कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और सूजी जब तक फूलता है, हम तड़का बना के तैयार कर लेते हैं। गैस पे मैंने एक पैन चढ़ाया गर्म होने के लिए। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, और इसमें हम डालेंगे 2 पिंच हींग, आधी छोटी चम्मच सरसों, 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल और 1 बड़ा चम्मच चने की दाल, और सभी को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 20-25 पत्ते करी के लिए हैं, इसे डाल देते हैं, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे। 1.5 मिनट भूनने के बाद देखिए दाल का कलर बहुत ही अच्छे से डार्क हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अब हम इडली को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा पतीला लिया है, इसमें मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी सी नींबू के स्लाइस, इससे जो बर्तन है वो काला नहीं पड़ता है। इसे हम डाल देते हैं और इसे कवर करके हम पानी में बॉयल आने देंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप इडली को स्टीमर में स्टीम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इडली स्टैंड को लिया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा तेल लगा के सारे मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। अभी मोल्ड को मैंने ग्रीस कर लिया है, और यहाँ पे हमारा बैटर भी फूल चुका है, सूजी अच्छे से फूल गया है। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे। इसे हमें गाढ़ा ही रखना है, बस थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और थोड़ा सा इसे पतला कर लेंगे। देखिए हमारा बैटर इस तरह का होना चाहिए, इसी तरह का गाढ़ा हमें बैटर रखना है रवा इडली के लिए। और मैंने जो तड़का बना के रखा था, इसे हम इसमें डाल देंगे। और इसमें आप कोई भी सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गाजर को कद्दूकस करके रखा हुआ है, इसे हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इडली बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसे आप बिना किसी चटनी और सांभर के भी खा सकते हैं। देखिए मिक्स हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे 1/3 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो का यूज़ कर सकते हैं, 1 छोटी चम्मच इनो का। इसे हमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस हमें इस तरह से हल्का हल्का मिक्स कर लेना है। और अब हम इसे इडली मोल्ड में भरेंगे। थोड़ा थोड़ा हम बैटर लेंगे और इडली मोल्ड में भर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा बैटर नहीं भरना है मोल्ड में, क्योंकि ये स्टीम होने के बाद फूलता है, तो हमें थोड़ा थोड़ा ही बैटर डालना है इस तरह से। सारे इडली मोल्ड में मैंने बैटर भर के तैयार कर लिया है, और हमारा 1 कप सूजी में 12 इडली बन के तैयार हुआ है। और अब हम इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे। पानी हमारा बॉईल हो चुका है, अब हम इडली स्टैंड को इसके अंदर डाल देते हैं, और इस तरह से ऊपर वाला भी हम डाल देंगे। और इसे हम कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। तो चलिए हम स्टीम होने देते हैं। 12 मिनट हो चुके हैं, अब हम कवर हटा के देख लेते हैं। देखिए इडली हमारा बहुत अच्छे से फूल चुका है। इडली को हम टच करके देखेंगे, अगर ये नहीं चिपकेगा यानी ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। अगर ये चिपकेगा तो आप इसे 1 से 2 मिनट और स्टीम कर सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे निकाल लेंगे। इडली को मैंने यहाँ निकाल लिया, और इसे हम ठंडा होने के बाद डिमोल्ड करेंगे। गरम गरम में डिमोल्ड करेंगे तो ये टूट जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमने जो बर्तन में नींबू रखा था, उसके कारण से बर्तन काला नहीं पड़ा है। ये ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इडली हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे। हम कोई नाइफ या स्पून लेंगे और इसे इस तरह से साइड से करेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है, देखिए कितना स्पंजी और फ्लफी बना है हमारा रवा इडली।
इसी तरह से हम सारे मोल्ड से इडली को निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा इंस्टेंट रवा इडली बनके तैयार है और ये बहुत ही अच्छा बना है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मैं इसे बादाम की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे कोई भी चटनी या सांभर के साथ खा सकते हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।